शुभांशु परिडा हूँ, आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारा चैनल शुभांशु परिडा में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल में दो प्राइम सेगमेंट होता है, एक होता है स्टॉक मार्केट पाठशाला जो कि पूरी तरफ से बिगनर के लिए, उसके साथ जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं बट उनको फंडामेंटल वगैरह साइकोलॉजिकल में कहीं पर दिक्कत होता है उनके लिए मेरा जो सेगमेंट है स्टॉक मार्केट पाठशाला। ऑलरेडी आप, मैंने दो तीन एपिसोड अभी रिसेंटली डाल चुका हूँ, अगर आप देख चुके होंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो जाइए प्लेलिस्ट में स्टॉक मार्केट का पाठशाला में जाइए। मैं जो जो भी एपिसोड लेके आता हूँ ये बिगिनर के लिए, नहीं तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक गाइड करेगा, आपका मेंटालिटी को स्ट्रांग करेगा, वो हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल में अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, उसके साथ कमेंट भी दीजिएगा। अगर आप कमेंट देंगे तो मुझे भी इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं मेरा कहाँ पर वीकनेस हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कंटेंट को संभालने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न एंड ट्रेड विद शुभांशु, नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। मैं लाइव मार्केट अपडेट देता हूँ, उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल देता हूँ। जिस दिन मुझे थोड़ा सा मार्केट अच्छा लगता है मैं वहाँ पर 95% एक्यूरेसी के साथ वहाँ पर मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी इंट्राडे वगैरह कॉल देता हूं। उसके साथ जो लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या करना, नहीं कैसे क्या करना है, वहां पर मैं अपडेट करता हूं। ठीक है, उसके साथ अगर आप दो तीन महीना हो चुके आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे तो मेरे साथ जुड़ के अर्न करके लर्न करके अर्निंग करने चाहते तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9090604838, वहां पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, वहां पर नहीं तो मुझे फोन कीजिए, आपको वहां पर प्राइम सर्विस डिटेल्स रीच हो जाएगा। तो अब आज का जो टॉपिक के लिए डायरेक्ट जाते हैं, आज का टॉपिक है मल्टी ट्रेडिंग। आप लोगों को पता है मल्टी ट्रेडिंग क्या होता है, मल्टी ट्रेडिंग से मैं ये आपको बोलूंगा कि मल्टी ट्रेडिंग हार्मफुल होता है, बट उसके बारे में हम लोग नहीं सोच के हम लोग मल्टी ट्रेडिंग में क्या क्या हो सकते हैं हमारे लिए, मैं हम लोग वो डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे मल्टी ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए मल्टी ट्रेडिंग होता है इंट्राडे में, मैं बोलता हूँ इंट्राडे में स्पेशली मल्टी ट्रेडिंग काम आता है। देखिए मल्टी ट्रेडिंग ये होता है जो कि एक दो तीन चार पाँच छः सात ट्रेडिंग एक दिन में करने को मल्टी ट्रेडिंग कहता है। ये हार्मफुल होता है छोटा वाला जो कैपिटल है, जो लोग छोटे रिटेलर होते हैं छोटा मोटा ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ये हार्मफुल होता है। तो सीधी सी बात अगर नॉर्मली में हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे मल्टी ट्रेडिंग ये होता है कि अगर एक दिन में एक दो तीन चार पाँच छः सात बार बार ट्रेडिंग करेंगे उसको मल्टी ट्रेडिंग कहते हैं। अभी हम लोग डायरेक्ट पॉइंट टू जाएंगे, जो मेरा की पॉइंट है मल्टी ट्रेडिंग में होगा क्या, मल्टी ट्रेडिंग में हम लोग करेंगे कौन सा ऑप्शन, हम लोग नहीं करेंगे कौन सा ऑप्शन, हम लोग ध्यान देंगे जिसमें हम लोग का मल्टी ट्रेडिंग में लॉस नहीं करेगा। नहीं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा मल्टी ट्रेडिंग ऑलवेज आपको हार्मफुल करेगा। ठीक है, अभी पहला जो हमारा पॉइंट है एवर रिस्की। देखिए अगर आप मल्टी ट्रेडिंग कर रहे हैं आप ये समझ के चलिए कि आपका कहीं ना कहीं आपका लॉस में निकलेंगे, क्योंकि अगर ये समझ गए कि मैं प्रॉफिट करूंगा मल्टी ट्रेडिंग, एक दिन कर लेंगे दो दिन कर लेंगे बट ये आफ्टर ऑल एक नेगेटिव ट्रेंड में जाएगा, ये प्रोफेशनल ट्रेडर का साइन नहीं होता है। इसीलिए अगर आप मल्टी ट्रेडिंग के लिए आप एडिक्ट हो चुके हैं, अगर मल्टी ट्रेडिंग आपको पसंद लगता है तो आप एक चीज कर पाएंगे, जो रिस्की ट्रेडिंग होता है जिसमें आप लोगों को लगता है कि नहीं स्क्लैपिंग करना, कि इंट्राडे बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन में आपको लगता है कि नहीं यहां से मैं 100 पॉइंट कमा नहीं पाऊंगा, 10 12 पॉइंट 20 पॉइंट कमाऊंगा, छोटा सा पॉइंट जो टारगेट होता है वो सबसे बड़ा रिस्की होता है ट्रेडिंग में। क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे स्पेशली इंट्राडे में और फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर कर रहे हैं तो वहां से टारगेट कीजिए ज्यादा पॉइंट। ठीक है, अचीव होगा नहीं होगा दूसरी बात है बट वहां पर रिस्क फैक्टर कम होता है, छोटा छोटा टारगेट जो करने से वो रिस्की हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप मल्टी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए जो रिस्की ट्रेडर आप रिस्की ट्रेड लगते हैं आपके लिए, जैसे कि मार्केट रेंज बाउंड में चल रहा है बट आप ऑप्शन बायर हैं, बार बार सी पुट जो बाय कर रहे हैं उसको आप एवॉइड कीजिए। तो रिस्की ट्रेडर एवॉइड करना ही अच्छा होगा मल्टी ट्रेडिंग में। उसके साथ डू विथ स्मॉल एसएल, अगर आप एक दो ट्रेड कर चुके हैं प्रॉफिट में कि लॉस में वो छोड़ दीजिए। अगर आप मल्टी ट्रेडिंग के लिए दूसरा एक ट्रेड लेने के लिए जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल निफ्टी, अगर निफ्टी ऑप्शन में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें 5 से 7 पॉइंट रख के चले स्टॉप लॉस। क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि अगर छोटा सा स्टॉप लॉस में काम करेंगे ये मल्टी ट्रेडिंग में आपको हार्म नहीं करेगा। अगर आप ज्यादा स्टॉप लॉस लेके काम करेंगे तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जिसमें क्या होगा ना फिर दोबारा उसको रिकवर करने के लिए जाएंगे वो फिर आपको लॉस करेगा। तो इसीलिए अगर आप मल्टी ट्रेडिंग का शौक करते हैं, मल्टी ट्रेडिंग का आप एडिक्ट हो चुके हैं तो ये काम कर सकते हैं, आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ गो विथ ट्रेंड, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बहुत सारे क्लाइंट लोगों के साथ काम करता हूँ, बिगनर को देखता हूँ, जो जो लोग मल्टी ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए कि मार्केट में अभी
पुल बैक ले रहे हैं, मार्केट ऊपर चढ़ रहे हैं, बट वो लोग कॉल ऑप्शन बाई कर लेते, कौन सा कारण में थोड़ा सा वोलेटिलिटी के कारण में उनका सी ऑप्शन में उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर दोबारा उन लोग क्या करते हैं, क्योंकि ट्रेन तो पुल बैक है मतलब ऊपर जा रहे हैं, बट वो लोग क्या करते हैं थोड़ा सा वहां से पुट ऑप्शन को बाई कर लेते हैं। वो उसमें करने से क्या होगा, एक तो वो वोलेटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस हिट हुआ वो चलेगा, पुट ऑप्शन अगर मार्केट ऊपर ऊपर जा रहे हैं वहां पर आपको स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हिट हो जाता है। तो इसीलिए आपका ट्रेंड के साथ चलना है, तभी जाके आपको मल्टी ट्रेडिंग काम करे। जैसे मान लीजिए मैंने एक 33,000 कॉल ऑप्शन लिया था, 70 पॉइंट 80 पॉइंट भाग गया, मैं मेरा थोड़ा सा ट्रेलिंग हो गया स्टॉप लॉस, बट अभी भी मार्केट ऊपर जा रहे हैं। इस टाइम आप एक फिर दोबारा आप कॉल ऑप्शन को ट्रेड कर पाएंगे, जो कि मल्टी ट्रेडिंग में हार्म नहीं करेगा। इसीलिए अगर आप ट्रेंड के साथ अगर ट्रेडिंग करेंगे, जिस ट्रेंड में अगर मार्केट गिर रहा है तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे, अगर मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, अगर आप ट्रेंड के साथ जाएंगे तो मल्टी ट्रेडिंग में आपको कुछ आपको हार्म नहीं करेगा, ठीक है। उसके साथ है नेवर डू क्रॉस ट्रेडिंग। देखिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं देखता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोग मल्टी ट्रेडिंग कब करते हैं जब मार्केट रेंज बाउंड चलता है, ठीक है। मार्केट रेंज बाउंड मतलब मान लीजिए 100 पॉइंट 200 पॉइंट के आगे पीछे हो, और वहां पर लोग मल्टी ट्रेडिंग ज्यादातर करते हैं। तो आप ट्राई करेंगे क्रॉस ट्रेडिंग मत कीजिए, ठीक है। क्रॉस ट्रेडिंग का मतलब है बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक पुट ऑप्शन एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, मतलब मान लीजिए पुट ऑप्शन उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर दोबारा कॉल ऑप्शन उनका टारगेट हिट हो, फिर दोबारा वो पुट ऑप्शन को बाय करें, पुट कॉल ऐसे जो करते हैं उसको क्रॉस ट्रेडिंग कहते हैं। तो आप कभी भी ये सोच के मत कीजिए कि क्रॉस ट्रेडिंग ना मत कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है मार्केट में कुछ भी आपको पॉइंट वगैरह, छोड़ दिए, जैसे कि मैं प्रीवियस एक पॉइंट में बोला कि आपको ट्रेंड के अगेंस्ट जाना नहीं है, ट्रेंड के साथ जाना है, तो इसके हिसाब से आप क्रॉस ट्रेडिंग को एवॉइड कर दीजिए, क्योंकि क्रॉस ट्रेडिंग मल्टी ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग करते हैं। तो इसलिए क्रॉस ट्रेडिंग जितना आप करेंगे उतना आपका स्टॉप लॉस हिट, उतना आपका लॉस होने के लिए चांस रहता है, ठीक है। उसके बाद रहता है डोंट ऐड ह्यूज लॉट साइज। देखिए ज्यादातर लोग जो मल्टी ट्रेडिंग करते हैं वो इंट्राडे में करते हैं, वो बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना लॉट साइज कमा के कर पाएंगे उतना वो आपका अच्छा रिस्पॉन्स देगा मल्टी ट्रेडिंग में। आप इतना भी लॉट साइज मत यूज कीजिए कि जितने में आपका लॉस होने के लिए बहुत डरेंगे आप। अगर 100 लॉट 200, मैं तो ये भी बोलूंगा 5 लॉट भी आपका, अगर आपका कैपेसिटी है 2 लाख का कैपिटल, 5 लॉट भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मल्टी ट्रेडिंग से अवॉइड कीजिए। मल्टी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो 1-2 लॉट 3-4 लॉट्स में कीजिए, जो कि आपको लॉस भी करेगा आपको इतना का इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर मल्टी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो छोटा सा लॉट से काम कीजिए, ठीक है। इसके साथ आता है डू ऑलवेज ट्रेल स्टॉप लॉस। देखिए आप मल्टी ट्रेडिंग जो कर रहे हैं आप ट्राई करेंगे कि स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करने के लिए। ज्यादातर क्या होगा, अगर आप बाइंग में निकल जाएंगे तो आपके पास फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि आप एक मल्टी ट्रेडर है तो आपके पास फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी रहेगा उसको बाय करने के लिए। अगर आप ट्रेलिंग नहीं करेंगे स्टॉप लॉस को, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, वो आपका बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा ट्राई करेंगे, फिर दोबारा आप ट्रेड लेंगे, उसमें क्या होगा आपका लॉस बहुत हो जाएगा, जो कि रिकवर करने के चक्कर बहुत सारे मल्टी ट्रेड हो जाएगा, आफ्टर आप एक लॉस में निकलेंगे। इसीलिए आप जितना हो सकता है आप ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस चलेंगे उतना आपका रिस्क फैक्टर वहां पर कम जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है ट्राई टू अवॉइड मल्टी ट्रेड। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर लिखा, ट्राई टू एवॉइड मल्टी ट्रेड। आप ये कोशिश करने के लिए चाहिए कि मैं आपको सलाह दूंगा, आप मल्टी ट्रेड को एवॉइड कर लीजिए, क्योंकि मल्टी ट्रेड ऑलवेज आपको हार्म करेगा, ऑलवेज आपको मतलब नुकसान देगा। एक दो दिन आपको प्रॉफिट दे के चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि भाई मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है, मैं यहां पे फिर दोबारा शॉर्ट कर लूंगा, बट ट्रेंड आपका कॉल ऑप्शन के लिए, वहां पर फिर दोबारा स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर दोबारा आप एक कॉल ऑप्शन के लिए बाय करेंगे, वहां से मार्केट पुल बैक ले लेगा, फिर दोबारा वहां से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सलाह दूंगा जितना हो सकता है उतना मल्टी ट्रेड को एवॉइड कीजिए। उसके बाद आते हैं कीप इन माइंड इन ब्रोकरेज फी। देखिए ये बहुत लोगों को ये माइंड में नहीं रखते जब मल्टी ट्रेडिंग करते। पहले चीज आप एक ब्रोकरेज फीस के लिए, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज का डेट में अगर हम लोग एक एवरेज निकलाएंगे, एक लॉट साइज बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों का एवरेज अगर 40 रुपया, तो हर ब्रोकरेज फार्म ये आपका फीस काटता है। अगर आप मल्टी ट्रेडिंग बार बार करेंगे तो जितना मान लीजिए आप 2000 प्रॉफिट भी करेंगे, मान लीजिए आपका 15 लॉट काम हो गया, तो वहां पर आपका 600-700 रुपया कट जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा ये माइंड में रख के चले कि मेरा ब्रोकरेज फीस भी कट रहा है। तो जितना ये अगर ये माइंड में रखेंगे तो आप मल्टी ट्रेडिंग से एवॉइड कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज का एपिसोड जो हमारा था मल्टी ट्रेडिंग के बारे में, आशा कर तो आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मैं मल्टी ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में इतना डिस्कशन नहीं करा। मल्टी ट्रेडिंग करने से क्या क्या पॉइंट आपको एवॉइड करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट आपको माइंड में रखना चाहिए, अगर आप मल्टी ट्रेडिंग का शौक है, मैं उसमें नोट डाउन कर, मैं दोबारा उसको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ स्लोली। एवॉइड रिस्की ट्रेड जितना होगा आप ट्राई कीजिए एवॉइड करने के लिए, ये मल्टी ट्रेडिंग के फास्ट रूल है। अगर आप मल्टी ट्रेडिंग का शौक करें, अगर रिस्की ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस हो जाएगा। सेकंड है डू इट स्मॉल, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप काम करने के लिए कोशिश कीजिए। गो विथ ट्रेंड, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर के लिए कॉल ऑप्शन के लिए बाय कीजिए, नहीं तो वेट कीजिए पुल बैक लेने के बाद, कि मार्केट अगेंस्ट मत जाए। कभी भी ये मत सोच के चले कि मैं ऐसे स्क्रैपिंग कर लूंगा। नेवर डू क्रॉस ट्रेडिंग, बार बार पुट कॉल, इसको बाय मत कीजिए, क्योंकि क्रॉस ट्रेडिंग आपको हमर करेगा। ये भी मल्टी ट्रेडिंग में एक की पॉइंट है। उसके बाद डोंट ऐड ह्यूज लॉट्स, अगर आप मल्टी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप फंस चुके हैं, तो छोटा सा लॉट्स से काम कीजिए, जितने में आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। उसके बाद ऑलवेज ट्रेल विद स्टॉप लॉस, जितना अगर मल्टी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को छोटा छोटा करके ट्रेलिंग कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस बार बार ट्रेल करके कीजिए, इसमें आपका प्रॉफिटेबल होगा, नहीं तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप लॉस नहीं करेंगे। उसके बाद होते हैं टू ट्राई टू एवॉइड मल्टी टैप, ये कोशिश कीजिए, आप ये साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप एवॉइड कीजिए मल्टी ट्रेड को, ठीक है। उसके बाद आते हैं कीप इन माइंड ब्रोकरेज फी, आप ये सोच के चलिए कि मेरा ब्रोकरेज फी इतना कट रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग माइंड में हटा लेते हैं ब्रोकरेज फी, क्योंकि आप ये नहीं हो पाएगा 2000 आप कमाई कर ले बट आपका ब्रोकरेज फी 1800, फायदा क्या हुआ, इतना सारा रिस्क लेके इतना सारा हेडेक लेके अगर 1800 रुपया ब्रोकरेज फीस काट लेंगे तो कोई फायदा नहीं, इसलिए ब्रोकरेज फीस को भी माइंड में रख के चलिए, ठीक है। उसके साथ मेरे नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्न एंड ट्रेड विद शुभांशु, मैं दोबारा बोलता हूँ उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं मार्केट के बारे में अपडेट देता हूँ 85-90% एक्यूरेसी के साथ, जिस दिन मुझे अच्छा लगता है वहाँ पर मैं बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह में कॉल देता हूँ। उसके साथ 2-3 महीना अगर आपको हो चुके हैं मेरा प्राइम सर्विस लेना चाहते हैं, मेरे साथ लर्न करके अर्न करने चाहते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9090604838, वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको प्राइम सर्विस के बारे में डिटेल्स रीच हो जाए, जिसमें आपका ये फायदा होगा आप एक प्रॉफिटेबल आप माह पे निकलें, क्योंकि मैं आपको सर लर्निंग के साथ आपको एजुकेशन के साथ वहां पर आपको टिप्स वगैरह देता हूं, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पे फास्ट देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना सारा शेयर कीजिए कि हमारा फैमिली ग्रो होना, क्योंकि मैं दोबारा बोलता हूँ ये चैनल हम ये बिगनर लोगों के लिए है, क्योंकि एक बिगनर अगर कैसे सोच के ट्रेडिंग करे, उसको कैसे हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडिंग बनाएंगे, ट्रेडर बनाएंगे, वो मेरा फास्ट एम्बिशन है। इसलिए इसको शेयर कीजिए, एक बिगनर के पास रीच होना चाहिए, उसके साथ लाइक जितना लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे दोबारा एक एपिसोड लेके। हाँ दोस्तों, फिर आप ये मत भूलिए कि हर बार आप ट्राई कीजिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं हर बार उसको अपलोड करता हूँ, जिसमें आपका कल के मार्केट के डायरेक्शन के लिए मैं वहाँ पे बताता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट।